हिमाचल प्रदेश के अंदर डबल इंजन ही ट्रिपल इंजन का आशीर्वाद प्राप्त है। श्री जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में सरकार, श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार, और तीसरे जो ट्रिपल इंजन है, श्रीमान जगत प्रकाश नड्डा जी, इस विश्व की दुनिया की सबसे पार्टी के भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका भी हिमाचल प्रदेश को बराबर आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। और ये सौभाग्य है हिमाचल प्रदेश का कि इस ताकत के आधार पर हिमाचल प्रदेश का ये जो ठाकुर जयराम का कार्यकाल है, ये कांग्रेस के लिए एक इतिहास बन जाएगा। कांग्रेस मुक्त जो है हिमाचल प्रदेश बन जाएगा। जिस तरह लोकसभा में कांग्रेस की पराजय हुई है, जिस तरह हुए बाद में उपचुनाव में कांग्रेस की जमानतें जब्त हुई है, उसी तरह पंचायती राज में भी ऐसी ही सेवा कांग्रेस की भारतीय जनता पार्टी करने वाली है। मुझे बड़ी हैरानी होती है कि हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस के नेता हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री का कोरोना को लेकर मार्गदर्शन करते हैं, लेकिन मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि पंजाब दूर नहीं हिमाचल प्रदेश से, लगती सीमा पर है। कैप्टन अमरिंदर सिंह जी स्वयं मुख्य प्रधानमंत्री जी को खत लिखकर ये कह रहे हैं कि पंजाब में सबसे ज्यादा कोरोना से मौतें हुई है। तो क्या अच्छा नहीं होता कि वो हमारे हिमाचल के नेता या कोरोना एक्सपर्ट पंजाब में मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह का मार्गदर्शन करते, तो निश्चित तौर पर वहां कम मौतें होती। कांग्रेस की नित दिन जो टिप्पणियां वो बेतुखी है, आधारहीन है, और कांग्रेस के नेता उन बयानों से स्वयं हास्यप्रद होते जा रहे हैं। मैं यही आज कहने आया हूं कि हिमाचल प्रदेश के अंदर जयराम ठाकुर जी ने जिस तरह 3 वर्षों में अपना कुशल नेतृत्व दिया है, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस मुक्त ये जो एक दिशा और इनकी रचना होने वाली है, इसको कोई नहीं रोक सकता है। ये आज मैं आपके सामने पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं। आने वाले पंचायती राज जो चुनाव जो है उनको आपकी पार्टी कैसे ले रही है? आने वाले पंचायती राज चुनाव में हमारे पार्टी के कार्यकर्ता एक अंडरस्टैंडिंग के साथ, एक सलाह मशवरे के साथ इस चुनाव को लेंगे, और निश्चित तौर पर भाजपा विचारधारा से जुड़े हुए कार्यकर्ता पंचायती राज में चुनकर आएंगे। और रहा विषय नगर निगम के चुनाव में लेकर, कांगड़ा पार्लियामेंट्री में 2 नगर निगम है, धर्मशाला और पालमपुर, इन दोनों नगर निगम में इस बार इतिहास बनेगा। कांग्रेस टक्कर देने की तो दूर की बात, कांग्रेस अपना पालमपुर में खाता खोलने का पर भी थोड़ी मेहनत करे। हम पूरी प्लानिंग के साथ इस चुनाव को लड़ने वाले हैं और पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ने वाले हैं। ठीक है सर, मैंने कुछ कंटेंट्स है ना, दो सर मैं दो साहब को भेज देता हूँ।